गाइस दिस इज असल वाली सरकार। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक चीज़ की इल्तिमास है कि छोटे बच्चे मेरी वीडियो से दूर रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। अगर नहीं आती तो फिर आप खुशी से ना करें। जज़ाकअल्लाह। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका टॉपिक बताऊंगा कि आज का मेरा टॉपिक है कि सिखाना में जब अक्सर उकात आप अपने वेपन को लोड करने की कोशिश करते हैं तो इसकी गोली जो है ना वो फंस जाती है ऊपर, जो है ना लोड नहीं होती। तो उस मैं उसकी रीज़न भी दिखाऊंगा और उसको मैं क्लियर करके भी दिखाऊंगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो पहले मैगजीन में मैं गोलियां डालूंगा, कोई एक दो ही डालूंगा जस्ट। अब मैं आपको इसको लोड करके दिखाऊंगा। तो गैस अब इसके अंदर जैसा कि मैंने गोलियां डाल ली हैं, अब मैं आपको इसको लोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये प्रॉब्लम जो है इसकी, जो मैं अब इसको सॉल्व करूंगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया। जैसा कि अब ये गोली ऊपर जो है नहीं, बैरल में नहीं जा रही। इसके लिए ये है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। लोग कहते हैं इसकी मैगजीन का मसला है, या कह लेंगे इसकी जो है टक्कर का मसला है, या कोई भी वट एवर जो भी आर्मोर है वो अपनी ज़ुबान पर जो भी आपको कहेगा। लेकिन ये सिंपल सी बात है कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो आप अपने घर में ही इसको ठीक करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉल्ट रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसके अंदर आखिर फॉल्ट है क्या, किस वजह से ये ऊपर नहीं जा रही। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, ये देखें, आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। मैं आपको क्लियर करके जूम करके दिखाऊंगा। ये देखें, थोड़ा ये देखें, ये इसकी फायर पिन जो है वो आगे जैम हो चुकी है। जंगाल की वजह से, रस्ट की वजह से इसकी फायर पिन आगे जैम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी जब आप बोल्ट इसको लोड करते हैं तो ये बैरल के अंदर गोली नहीं जाती, बैरल के अंदर गोली नहीं जाएगी और इस वजह से ये लोड नहीं होगा। तो इसको मैं आपको ठीक करने का तरीका बताऊँगा कि इसको आप कैसे ठीक करते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसको लोड भी करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मैगजीन बाहर निकाल लें जो आपने गोलियां डाली होंगी, और इसको वापस निकाल लें। आपने इसकी गोली वापस बाहर निकाल ली। बाहर निकालने के बाद अब हम इसको शुरू करते हैं। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको एक रॉड की ज़रूरत होगी, सरिया का पीस, जिसे आप, मैं वीडियो हमेशा आसान अल्फाज में बनाता हूँ क्योंकि जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, आसान अल्फाज में बनाने का मकसद ये है कि जिससे आपको समझ आ जाए। तो एक रॉड का पीस आप लेंगे। रॉड का पीस लेने के बाद इसको आप इसे लॉक करेंगे वेपन को। ठीक है, लॉक करने के बाद इसकी बैरल के अंदर से एक्सपेक्टेड इसको अंदर डालेंगे और इसको फायर पिन के आगे रख के, ठीक है, रखने के बाद आप इसको किसी चीज़ से पीछे से हीट करेंगे। ठीक है, जब हीट करेंगे, हीट करने के बाद फायर पिन आपकी पीछे जो है अपनी जगह पे चली जाएगी। देखिए, ठीक है, ये देखिए फायर पिन जो है अपनी जगह पे चली गई है। तो अगर आप इसको खोल के साफ करना चाहते हैं तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको खोलने का तरीका बताया था, तो आप उस वीडियो में देख के खोल के आप इसकी सफाई कर सकते हैं। इसको अभी कोई ज़्यादा मसला नहीं है, तो इसके लिए ये है कि आप इसके अंदर जो है WD-40 या किसी भी चीज़ से इसके अंदर जो है इसको साफ करें। ये देखें, इसके अंदर ऑयलिंग करें, ऑयल डालें इसके अंदर, ये लाइक दैट। ये देखिए, ऑयल लगाने के बाद आप इसको दबाएं। ठीक है, दबाएं, थोड़ा सा इसको मूव करें। ये जैसा कि ये फिर वहीं पर स्टक हो गई है, तो इसको अब हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि इसकी सफाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसकी सफाई नहीं करेंगे, इसके अंदर जंग लग चुका है, जंग की वजह से अब इसको खोलना ज़रूरी है। मैं इसको खोलूँगा, खोल के साफ़ करूँगा और फिर मैं इंशाल्लाह आपके सामने खोलूँगा वीडियो के अंदर। तो इसको हम खोलते हैं। इसको खोलते वक्त इस चीज़ का ख्याल रहे कि इसके अंदर एक पिन होती है, वो आप गुम ना कर लें। इसके अंदर स्प्रिंग और एक पिन होती है, उसको आपने ध्यान से साइड पर रख लेना है। ठीक है, खोलने के बाद, उसके बाद ये कि आप इसकी आप फायर पिन को कुछ थोड़ा सा अंदर को दबाएंगे। अंदर को दबाने के बाद आप इसको बाहर निकालेंगे। मैं आपको ये भी करके दिखाऊँगा। इसकी फायर पिन को आगे दबाने के बाद जैसा कि ये आगे निकल रही है, ये देखें, आगे दबाने के बाद इसके अंदर जंग लगा हुआ है, ये इस वजह से फंस गई आगे, नहीं तो अदरवाइज आपको इसको पकड़ के रखना पड़ता। ठीक है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे इस हिस्से को। जब आप इसको बाहर निकालेंगे, इसके एक जगह, इस जगह पे भी एक पिन होती है। ये देखें, इस चीज़ का ख्याल रहे कि इस पिन को भी आपने ध्यान से बाहर निकालना, और इसके अंदर एक स्प्रिंग भी होता है। तो इसको बाहर निकालने के बाद अब आप इसकी फायर पिन को जो है ऐसे रख के ऊपर से किसी चीज़ के साथ हिट करेंगे कि इसकी फायर पिन जो है वापस बाहर आ जाए।
ये देखिएगा, अब ये देखें, ये देखें, अब ये वजह थी जिस वजह से आपका जो फायर पिन जो है वो वर्क नहीं कर रही थी। इसकी हालत देखें, ये बिल्कुल जो है ना सूखी पड़ी थी, इसको ऑयल वगैरह नहीं लगा हुआ था, जंग लगा हुआ था। तो अभी हम इसकी सफाई करेंगे। सफाई आप किसी भी क्लीनिंग पेपर ले लें, आप अच्छे से इसको ज़रा साफ़ कर लें, थोड़ी सी नई निकाल लें। सो गाइस, इसकी मैंने अब सफाई कर ली है, जो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब मैं आपको इसको फिट करके दिखाऊंगा और इसको चला के दिखाऊंगा कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। इसको फायर पिन को अंदर डालने के बाद आप इसको आगे जो है ऐसे जो पकड़ लें कि ये पीछे जो ना जाए, वापस नहीं जाएगी जब, तो ये आगे ग्रिप इसकी जो है टाइट थोड़ी सी कर लें। उसके बाद इसका जो ये लॉक है इसको आपने नीचे रख के ऐसे डालना है, ये देखिए लाइक डैट, ये बिल्कुल नीचे रख के, ऐसे रख के नहीं डलेगा, ऐसे रख के आपने इसको डालना। ठीक है, इसका ये लॉक दबाएँ, दबाने के बाद ये जो पिन है इसकी, पिन को अंदर डालें इस तरह से। ठीक है, इसको डालने के बाद इसकी फायर पिन आप छोड़ दें। ठीक है, फायर पिन छोड़ दें। फायर पिन छोड़ने के बाद इसका स्प्रिंग इसके अंदर डालें। स्प्रिंग अंदर डालने के बाद इसको आप इस तरह से इसको वापस पैक करें। अब मैं आपको इसको इसका वापस लॉक लगाएं इस तरह से। अब इसकी फायर पिन हमने दोबारा जो अपनी जगह पर फिट कर ली, इसको वापस लेके जाएं। ठीक है, और वापस लेके जाके अब इसको चेक करें कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखें, ठीक है, ये अब 100% वर्क करने लग पड़ी है। ये देखें, ठीक है, फिट कर, फायर पिन फिट करने के बाद उसके बाद आप इसको वापस, इसको वापस रीपैक करें। ये बात ने इसको रिपेयर कर दिया। मैं आपको दोबारा से इसकी गोली जो है इसका जो मेन पावर था वो चेक करवाऊंगा। तो गाइस, अब मैं इसको लोड करने लगा। ठीक है, ये अब बिल्कुल खुद ब खुद अपनी बैरल में जैसे एक पिस्टल लोड होता है वैसे ये लोड हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद ये है कि आप इसकी अच्छे से, सिर्फ मेन ये फॉल्ट तब आता है जब आप इसको अच्छे से सफाई नहीं करते, सफाई की वजह से ये फॉल्ट हमेशा आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।